मोहतरम नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो आपको दिखाने वाले हैं उसे देख आपके जहन में दो बातें आ सकती हैं। पहली ये कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, और जहां नमाज का वक्त हो वहां नमाज पढ़ लो। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया भी गया है, एक शख्स टॉवर क्रेन के ऊपर नमाज पढ़ रहा है। और दूसरी ये कि नमाज सही जगह और सुकून और इत्मीनान के साथ आराम से पढ़नी चाहिए, और उसमें किसी भी तरह का कोई भी दिखावा नहीं होना चाहिए। अब इस वीडियो को देखिए कि एक शख्स टॉवर क्रेन के ऊपर नमाज पढ़ रहा है और जिसकी ऊंचाई सैकड़ों फीट की है। अब ये नमाज की अहमियत है, और बेशक नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, जहां नमाज का वक्त हो और वहां आप नमाज पढ़ सकते हैं तो नमाज पढ़ें। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नमाज पढ़नी थी तो नीचे उतरकर आराम से नमाज पढ़नी चाहिए थी, ये दिखावा नहीं करना चाहिए था कि हम कहां नमाज पढ़ रहे हैं और लोग हमें देख रहे हैं। अब इस शख्स की नीयत क्या है अल्लाह पाक बेहतर जानता है, मगर हमें दूसरों के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए। और हो सकता है कि ये शख्स काम में ज्यादा मसरूफ हो और नमाज का वक्त जाने वाला हो और इसने वही नमाज पढ़ ली। बहरहाल हमें चाहिए कि हम भी नमाज की अहमियत को समझें और मुकर्रर वक्तों पर नमाज अदा करें। ये वीडियो देखकर अच्छा लगा कि एक शख्स कहाँ खड़ा है और इतनी ऊंचाई पर रुकू सजदा कर रहा है, और हम घर में होकर भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह हमको भी नमाज का आदी बना दे, और हम भी अपने अपने वक्तों पर बजमात नमाज पढ़ते नजर आए। एक शख्स जो टावर क्रेन के ऊपर चढ़ा है और नमाज का वक्त होने पर नमाज पढ़ रहा है और दुनिया के मुसलमानों को पैगाम दे रहा है कि ऐ मुसलमानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, नमाज की अहमियत बहुत बड़ी है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हज़रात आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।